बुलाएं ना बने। तो आइए याद करें उन लोगों को जो विरासत में हमें दे गए हैं अपनी कला और हमारे जीने का सामान। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। हर इंसान चाहता है कि वो जीवन में एक काम ऐसा करे जिससे वो दुनिया से जाने के बाद हर किसी के दिल और जहन में जिंदा रहे और उसी बेहतर कार्य को अंजाम देने के लिए वो सदा जद्दोजहद करता रहता है। लेकिन इस दुनिया में कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो जिस भी कार्य को करते हैं वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। आज हम फिल्मी जगत की जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो भी कला की धनी थी। फिल्म जगत की जिस विधा में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया उसी में अपना लोहा मनवाया। फिल्मी दुनिया के आसमां पर सूरज बन रोशनी फैलाने वाली इस शख्सियत के फिल्मी जीवन के रोमांच का सफर आइए एक बार फिर तय किया जाए समय की पगडंडी पर चलते हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस व्यक्तित्व को संगीत रसिक SN त्रिपाठी के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम था श्रीनाथ त्रिपाठी। आँख मिली तो दिल धड़का, दिल धड़का तो शोला भड़का, आँख मिली तो दिल धड़का तो शोला भड़का। उन्नीस सौ 50 और 60 के दशक में फिल्म जगत पर राज करने वाले संगीतकार SN त्रिपाठी न केवल संगीतकार थे बल्कि अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में भी उनका कोई सानी ना था। SN त्रिपाठी का जन्म 14 मार्च सन 1913 को काशी बनारस उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण घराने में हुआ। बनारस जहां संगीत की विरासत सदियों से थी, दादा पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी संस्कृत विद्यापीठ काशी के प्रधान आचार्य थे और पिता पंडित दामोदर दत्त ठाकुर गवर्नमेंट हाई स्कूल काशी के प्रधान आचार्य थे। घर शिक्षित था इसलिए परिवार को उनसे भी अपेक्षाएं थी। SN त्रिपाठी ने अपनी आरंभिक शिक्षा बनारस में पूरी की और BSc की पढ़ाई इलाहाबाद से।
लेकिन एसएन त्रिपाठी की संगीत में रुचि बचपन से ही थी, इसलिए युवा श्रीनाथ महान संगीतकार बद्री प्रसाद को नाटकों के लिए संगीत कंपोज करने में उनकी मदद करने लगे। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई। अखियाँ नीली और नशीली, दिल में बस गई वो लजीली। चांदनी सी मद भरी थी, गगन से उतरी परी थी। याद है वो दिन सुहाना, याद है वो दिन सुहाना, वो सुहानी शाम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई। रहा हूँ वो पैंजनिया, मन में नाची एक हिरनिया। याद खोई फिर जगी थी, जानी पहचानी लगी थी। नैन मिलते ही नैन से, नैन मिलते ही नैन से, मन हुआ बदनाम। हो नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। हो नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। हो नैन का चैन चुरा कर ले गई। संगीत से श्रीनाथ का नाता जुड़ा ही था कि बद्री प्रसाद अभिनय और संगीत के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने पहले कलकत्ता और फिर बंबई चले गए, और श्रीनाथ संगीत विद्या में पारंगत होने हेतु लखनऊ पहुंच गए और मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उप शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत उन्होंने मैना देवी से सीखा और प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रवीण की उपाधि ग्रहण की, और शास्त्रीय संगीत में उनकी गुरु रही सरस्वती देवी, जो भारतीय फिल्म इतिहास में पहली महिला संगीतकार मानी जाती हैं। और सरस्वती देवी के सानिध्य में एसएन त्रिपाठी ने मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक से संगीत विशारद की उपाधि प्राप्त की। सला
हरी पहन हरी हरी सारी रे। तू ये नहीं समाए धरती पहन हरी हरी सारी रे। बालम वाली हो के भी मैं फिर भी रहूं कुंवारी रे। बालम वाली हो के भी मैं फिर भी रहूं कुंवारी रे। मन में जरा विरह की आगी छूटे नहीं छुड़ाए लागी। मन में श्रीनाथ त्रिपाठी की संगीत साधना से प्रभावित सरस्वती देवी ने जब बॉम्बे टॉकीज से रिश्ता कायम किया तो उन्होंने श्रीनाथ को अपना असिस्टेंट बना लिया। इस तरह श्रीनाथ त्रिपाठी का फिल्म जगत से नाता जुड़ गया। बॉम्बे टॉकीज में एक वायलिन वादक और सरस्वती देवी के असिस्टेंट के रूप में। वर्ष था सन 1935 और तनख्वाह थी 100 रुपए। चलता रहे सागर भी भरता रहे पैमाना। आबाद रहे साकी तू और तेरा मैं खाना। तू और तेरा मैं खाना। तू और तेरा मैं खाना। मार गमे फुरकत हूँ जाम एक पिला दे। उजड़े हुए चमन को साकी तू फिर खिला दे। फिर जलवे जनाना साकी मुझे दिखा दे। बिछड़े हुए सनम से एक बार फिर मिला दे। चलता रहे सागर भी भरता रहे पैमाना। बाद रहे साकी तू और तेरा मैं खाना। तू और तेरा मैं खाना। एस एन त्रिपाठी सन 1935 से सन 1938 तक 10 फिल्मों में सरस्वती देवी के असिस्टेंट रहे। फिल्में थी अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया, ममता, मियां बीबी, इज्जत, जीवन प्रभात, भाभी, निर्मला और वचन। सरस्वती देवी के संगीत से सजा फिल्म अछूत कन्या का गीत, जिसे आज भी संगीत प्रेमी गुनगुनाते हैं, सरस्वती देवी और एस.एन. त्रिपाठी की एक महीने की रिहर्सल का परिणाम था जो उसे अमर कर गया। बन बन बोलूं रे।
मन का पंछी बन के संग संग रे। डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं तुम डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं बन बन पंछी बन के संग संग बोलूं रे। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे संग संग बोलूं रे। बॉम्बे टॉकीज का निर्माण हिमांशु रॉय और उनकी पत्नी देविका रानी ने किया था। जब वो यूरोप से लौटे थे वो अपने साथ कुछ जर्मन तकनीशियन और फ्रेंच ऑस्टेन को भारत लाए थे। फ्रेंच बॉम्बे टॉकीज के लिए फिल्मों का निर्देशन करते थे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच को गिरफ्तार कर लिया तो बॉम्बे टॉकीज में निर्देशन की बागडोर एनआर आचार्य, अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी के हाथों में आ गई। एनआर आचार्य श्रीनाथ की संगीत कला से प्रभावित थे। उन्होंने उनकी सिफारिश धीरू भाई देसाई से की और एस एन त्रिपाठी की एकाकी संगीत यात्रा का आगाज हो गया। फिल्म थी सन 1939 की चंदन और गीत था ये। गंगा का दिल लेती हूँ पर देती की कनिभाना। गंगा का दिल लेती हूँ पर देती की कनिभाना। तेरे नैनों की नैया में, तेरे नैनों की नैया में धाम पार लगाना। नन्हा का दिल, नन्हा का दिल देती हूँ पर देती की कनिभाना। अलबेला मौसम आया, अलबेला मौसम आया, आँखों में रंगत लाया, आँखों में रंगत लाया। दिन गए अकेले पन के, दिन गए अकेले पन के, होठ के खेल बचपन के, होठ के खेल बचपन के। दो दिल के तारे पर, दो दिल के तारे पर स्वतंत्र संगीतकार के रूप में एस एन त्रिपाठी की अगली फिल्म सन 1942 में रिलीज हुई, नाम था चूड़ियां। फिल्म बनारस की लोक कला नौटंकी पर आधारित थी और श्रीनाथ का संगीत बनारस की लोक कला से परिपूर्ण था, इसलिए जो संगीत श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचा वो बेमिसाल था, लाजवाब था और संपूर्ण था। Come on, you
नारी के सुख की निशानी हम नारी के नारी के सुख की निशानी हम चूड़ी हम एक सामानी बना का चुका है कड़ा मेरा संग बना का चुका है कड़ा मेरा संग दर्पण का निर्मल है पर मेरा मन दर्पण का निर्मल है पर मेरा मन संगीतकार एस एन त्रिपाठी की संगीत यात्रा अविरल जारी रही। श्रीनाथ ने सन 1945 में जी हां और रामायणी, सन 1946 में मानसरोवर आदि फिल्मों में मधुर संगीत देकर अपनी संगीत समझ का परिचय दिया। सन 1945 में रिलीज फिल्म बचपन में मीना कुमारी से गीत गवाने का श्रेय भी एस एन त्रिपाठी के नाम जाता है। सर्वोत्तम बदामी श्रीनाथ को बॉम्बे टॉकीज के दिनों से ही जानते थे। उन्होंने श्रीनाथ को सन 1946 में अपनी पौराणिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म उत्तर अभिमन्यु के लिए अनुबंधित कर लिया। श्रीनाथ ने भी बदामी को निराश नहीं किया, अपने संगीत की जादूगरी से रविंद्र संगीत पर आधारित गीतों का सृजन किया जो अपने माधुर्य से आज भी श्रोताओं को लुभाते हैं। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना सखी अधिक सुधा भरो ना लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना सखी अधिक सुधा भरो ना व्यथित हृदय की विफलता को उग्र अधिक करो ना व्यथित हृदय की विफलता को उग्र अधिक करो ना करो ना करो ना करो ना लाज भरे ननन में अधिक सुधा भरो ना सखी अधिक सुधा भरो ना अंग ऊपर नव यौवन धर कर अंग ऊपर नव यौवन धर कर रत भरे अधर ऊपर स्मित धर कर रत भरे
धरे अधर ऊपर स्मित धर कर। हे मन मोहिनी मेरे मन को मूर्छित अब करो ना, करो ना करो ना करो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। हे ललना छल करो ना, हे ललना, हे ललना छल करो ना, छलक छलक इतना धरो ना, छलक छलक इतना धरो ना। पल पल रूप छलक छलका कर चित चलित करो ना, करो ना करो ना करो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना। एस एन त्रिपाठी और वाडिया ब्रदर्स के बीच एक मजबूत दोस्ती थी। श्रीनाथ ने उनकी लगभग एक दर्जन फिल्मों में संगीत दिया, जिसकी शुरुआत हुई फिल्म श्री राम भक्त हनुमान से। लेकिन इस फिल्म के बाद श्रीनाथ को पौराणिक फिल्मों के संगीत तैयार करने के निमंत्रण आने लगे और वो संगीत तैयार करते रहे। फिल्में थी गणेश महिमा, नाग दुर्गा, नाग पंचमी, राम हनुमान युद्ध, विष्णु पुराण, नाग मेरे साथी और खुदा का बंदा आदि। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम बिन सुना जीवन मेरा, तुम बिन सुना जीवन मेरा, कहाँ गई सीते सीते, कहाँ गई सीते सीते, तुम बिन सुना जीवन मेरा। फूलों को डाली डाली को, फूलों को डाली डाली को, सारे बन की हरियाली को, मैं व्यथा सुना कर हार गया, मैं व्यथा सुना कर हार गया, मेरे सुख का संसार गया, जीवन का सारा सार गया, मेरे सुख का संसार गया, जीवन का सारा सार गया। पल भर में दुख गया बसेरा, पल भर में दुख गया बसेरा, कहाँ गई सीते सीते, कहाँ गई सीते सीते, तुम बिन सुना जीवन मेरा। बन बन भटकत फिरत राम, अब कैसे तन में रहे प्राण, ओ सीता सीता। भुलाए न बने कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं संगीतकार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक एस एन त्रिपाठी की। इनकी संगीत यात्रा और अन्य कलाओं की चर्चा हम जारी रखेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर, ध्वन्यांकन, संयोजन और प्रस्तुति राकेश भसीन की थी। ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम।